नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। दोस्तों, आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है रवि आर्या जी, उनके लिए जो काफ़ी समय से कार एक्सेसरीज पर वीडियो की डिमांड कर रहे थे। इस वीडियो में हम अननेसेसरी यानी कि बिना वजह की एक्सेसरीज़ पर बात करने वाले हैं और रवि जी के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम यूज़फुल यानी कि ज़रूरी एक्सेसरीज़ पर बात करेंगे। अगर आप भी हमसे ऐसी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जब भी कोई इंसान गाड़ी ख़रीदता है, फिर चाहे वो गाड़ी नई हो या फिर सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो, हर एक इंसान अपनी गाड़ी में कोई ना कोई एक्सेसरी ज़रूर लगवाता है। इसके कई सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। इनफैक्ट एक्सेसरी का मार्केट इतना बड़ा है और इसमें इतना मार्जिन मिलता है कि हर एक कंपनी के शोरूम वाले आपकी गाड़ी के कोटेशन में कम से कम 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की एक्सेसरी जोड़कर उसे एसेंशियल एक्सेसरी किट के नाम पर आपको बेचने की कोशिश करते हैं। बकायदा शोरूम में काम करने वाले सेल्समैन को इसके मंथली और ईयरली टारगेट्स दिए जाते हैं और टारगेट पूरा होने पर उनको इंसेंटिव भी मिलता है। कई सारे कार ओनर एक एंथुजियास्ट कार ओनर होते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी कार हमेशा कुछ हटके दिखाई दे, जैसे कि उन्होंने हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होता है, जिस कारण वो कुछ ऐसी एक्सेसरीज लगवा कर अपनी कार को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी एक्सेसरी लगवा लेते हैं जो भी बिल्कुल काम की नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी की सभी कार एक्सेसरीज बेकार होती हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी गाड़ी में एक्सेसरीज लगवा सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी एक्सेसरीज हैं जिन्हें आपको 100% अवॉइड करना चाहिए। 25 से ज़्यादा ऐसी एक्सेसरीज के बारे में जिन्हें हमें अपनी कार में लगाने से बचना चाहिए, जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं सबसे पहली एक्सेसरी के बारे में, जो कि है बेस ट्यूब विद एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि इस पर कई सारे लोग हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक खर्च करते हैं। उन सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो प्लीज़ वो मुझे दे दें, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लोग किसे ये शो ऑफ करके दिखाना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि आजकल लगभग हर एक कंपनी की गाड़ी में बेहतरीन टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम मिलता है और कुछ में तो बोस, JBL, इन्फिनिटी जैसे ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। उसके बावजूद कई सारे लोग अपनी कार में बेस ट्यूब विद एम्पलीफायर लगवा लेते हैं। क्या ये सच में हमारे काम आता है? मेरी मानिएगा तो हम इसे 100 में से केवल 10% काम में लाते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछकर सोचिएगा कि अगर आप 500 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो कितनी देर तक और कितने किलोमीटर तक आपने इसे ऑन करके नॉनस्टॉप सुना होगा। शायद ही आपने इसे थोड़ी देर के लिए सुना हो, किसी शाम सड़क के किनारे दोस्तों के साथ में कार खड़ी करके इत्यादि। चलती कार में इसे सुनना एक बेहद ही सरदर्द भरा काम है और इसके फ़ायदे बहुत कम, उसके अगेंस्ट इसके नुकसान बहुत ही ज़्यादा हैं। चलती गाड़ी में ड्राइविंग के वक्त ये ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इससे होने वाले वाइब्रेशंस की वजह से आपकी गाड़ी में रैटलिंग साउंड या फिर अलग अलग पुर्जों की आवाज़ बढ़ सकती है। लंबे समय तक इसे सुनने से आपको सरदर्द हो सकता है। इसकी ज़्यादा आवाज़ की वजह से ड्राइवर को पीछे से आने वाली गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं देगा, जिसके कारणवश कभी कभी एक्सीडेंट की संभावनाएं बन जाती हैं। आपका बूट स्पेस भी इसे लगाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और आप इसमें कम सामान डाल पाएंगे। देखिए दोस्तों, सिर्फ 2 दिन की चांदनी होती है, अपने पैसे इस पर बर्बाद ना कीजिए तो ही बेहतर है।
चलिए आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं इस लिस्ट में नंबर दो पर आने वाली एक्सेसरी के बारे में, जो कि है जीपीएस डिवाइस। इसे लगाने के कुछ दिन के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में ये आपके लिए प्रॉपर यूजफुल है, क्या आप इसे यूटिलाइज कर पाते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से ये एक फालतू और वेस्ट ऑफ मनी का प्रोडक्ट है। अगर आप इसे सच में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जिनका टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है और वो अपनी गाड़ियों को, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं। आप इसे अगर लगवाना चाहते हैं एज ए एक इंडिविजुअल कस्टमर, ये आपके लिए बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद इनिशियल एक्टिवेशन पीरियड ख़त्म होने पर आपको इसे दोबारा समय समय पर रिचार्ज करते रहना पड़ेगा, जो कि एक एडिशनल खर्चा है। उतने पैसे का अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालिए और अपनी गाड़ी में फैमिली के साथ ज़्यादा घूमने का आनंद उठाइएगा, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। इस लिस्ट में दोस्तों तीसरे एक्सेसरी है, जो कि है आफ्टर मार्केट क्रोम या फिर अलग अलग तरह की ग्रिल्स। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि कंपनी अपनी कार की ग्रिल को इस तरीके से डिज़ाइन करती है जिससे आपकी कार के इंजन को और रेडिएटर को भरपूर हवा हमेशा मिलती रहे, जिससे वह ठंडा बना रहे, ओवरहीट ना हो और ठीक से काम करता रहे। जैसे हमें जीने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से कार के इंजन को भी हवा की ज़रूरत होती है। बहुत बार ऐसे होता है कि आफ्टर मार्केट कंपनीज़ एक यूनिवर्सल क्रोम की ग्रिल बना देती हैं जो हर गाड़ी में लग सके, लेकिन ऐसी ग्रिल्स की वजह से आपकी कार की रेडिएटर और इंजन तक जाने वाले एयर का फ्लो 50% तक या फिर कुछ केसेस में 100% तक कम हो सकता है, जिसका खामियाजा आपको इंजन या फिर रेडिएटर में दिक्कत से भुगतना पड़ सकता है। कई लोगों को कंपनी से मिलने वाले ग्रिल में मज़ा नहीं आता, तो वो कई तरह की अलग अलग ग्रिल्स लगवा लेते हैं, जैसे कि कुछ में कंपनी के नाम के साथ साथ एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं तो कुछ में गाड़ियों के नाम के साथ में एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं। ये ग्रिल्स देखने में तो ज़रूर अच्छी होती हैं, लेकिन इनके फ़ायदों के बजाय नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो मेरी मानिएगा तो इन सारी ग्रिल्स को लगाने से बचिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में चौथे पायदान पर आने वाली एक्सेसरी, जो कि है बैक डोर पर लगने वाली लैडर यानी कि सीढ़ी। कई सारी एसयूवी में ये कंपनी फिटेड आता है, जैसे कि पुराने वाली फोर्ड एंडेवर या फिर मित्सुबिशी की पजेरो जैसी गाड़ियाँ, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि सच में इसका हमें क्या यूज़ है? ये उन लोगों के काम में आती हैं हमेशा जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, रोड ट्रिप्स पर जाते हैं, कभी कभार उन्हें टेंट लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में गाड़ी की छत पर पहुंचने में आसानी हो इसलिए उन्हें लगाया जाता है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल लोग या फिर ग्रुप्स आपको विदेशों में बहुत ही ज़्यादा आसानी से देखने को मिल जाते हैं। भारत में ऐसे बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और गाड़ी की रियर प्रोफाइल लुक्स को भी काफ़ी इन्हेंस करते हैं, जिस कारणवश कई सारे लोग इन्हें लगा लेते हैं, जबकि इनका हार्डली कुछ इस्तेमाल होता है। इस लिस्ट में अगली पांचवी एक्सेसरी है दोस्तों फुल बॉडी किट। कुछ लोग गाड़ी खरीदने के बाद उसमें इस फोटो में दिखाई गई बॉडी किट लगवा लेते हैं। बेशक इससे आपकी गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा निखर जाता है, लेकिन इसके भी कुछ नेगेटिव होते हैं, जैसे कि इसे लगवाने के बाद में आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है, जिस कारणवश आपकी गाड़ी आसानी से किसी भी गड्ढे में या फिर स्पीड ब्रेकर पर टकरा सकती है, लग जाती है। अगर आपको ये किट लगवाना इतना ज़रूरी लगता है तो एक स्पोर्ट्स कार ही क्यों नहीं खरीद लेते? नॉर्मल गाड़ी, कार, एसयूवी इत्यादि खरीदने की क्या ज़रूरत थी? क्या है आपको सच में सेंसिबल लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। इस लिस्ट में अगली एक्सेसरीज है दोस्तों एक्स्ट्रा साइज या फिर ओवर साइज टायर या लो प्रोफाइल टायर्स। आप सबको पता होगा कि हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी के पास अपना एक कार टेस्टिंग ट्रैक होता है। उसके अलावा कंपनियां अपनी गाड़ी को अलग अलग कंडीशंस में और अलग अलग टेरेंस पर टेस्ट करवाती हैं। सभी कंपनियां राइड एंड हैंडलिंग की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ऑन रोड स्टेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इसके कई सारे टेस्ट करवाती हैं, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद और इन सब का एक बैलेंस मिलाने के बाद में वो आपकी कार के लिए टायर्स सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ही वो टायर्स आपको आपकी गाड़ी के साथ में मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग उन टायर्स को निकाल कर कभी कभी ओवरसाइज या कभी लो प्रोफाइल के या फिर कभी बड़े साइज़ के और लंबे चौड़े टायर्स लगा लेते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। ऊपर से पैसे की बर्बादी सो अलग। भाई साहब, आपके पास एक नॉर्मल गाड़ी है और उसे नॉर्मल तरीके से ही चलाइए। आपकी गाड़ी रेस ट्रैक या फिर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है।
ये टायर्स केवल देखने में अच्छे लगेंगे लेकिन इनसे आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस, कंफर्ट, राइड एंड हैंडलिंग, सस्पेंशन, फ्यूल एफिशिएंसी में दिक्कत आएगी, साथ साथ आपकी गाड़ी का माइलेज भी बुरी तरीके से घट जाएगा। इन टायर से तौबा करने में ही आपकी समझदारी है। इस लिस्ट में सातवें पायदान पर अगली एक्सेसरी है दोस्तों, एक्स्ट्रा लाइट्स। कई लोग अपनी गाड़ी में हेडलैम्प के अलावा बम्पर पर, हेडलैम्प्स के बीच में या फिर ऊपर छत में कई सारी लाइट लगवा लेते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये इल्लीगल है, जिसके लिए आपको जुर्माना भी हो सकता है। ये लाइट्स केवल उन लोगों के काम आती हैं जो कुछ ऐसी एक्सट्रीम जगहों पर गाड़ी चलाते हैं, जैसे जंगल वगैरह जहाँ रोशनी कम होती है, वहाँ इन लाइटों की वजह से ड्राइवर के लिए विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग केवल अपनी गाड़ी को अलग दिखाने के चक्कर में हज़ारों रुपए इन पर खर्च करके इन्हें लगवा लेते हैं और इन लोगों का एक्सट्रीम जंगल या फिर ऑफ रोडिंग के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। ये लाइट्स ना केवल आपकी गाड़ी की बैटरी की लाइफ को बैंड बजाते हैं बल्कि रात में सामने से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर की आँखें चुंधिया सकती हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। इस लिस्ट में अगली यानी कि आठवें एक्सेसरी है दोस्तों, जिसे हम एक्चुअली एक्सेसरी तो नहीं कह सकते लेकिन ये आपको तकलीफ ज़रूर दे सकती है, वो है रियर पार्सल ट्रे पर कोई भी शोपीस रखना, जैसे कि टेडी बियर या फिर एनिमल टॉयज इत्यादि रखना। इससे ड्राइवर को रियर व्यू मिरर में विजिबिलिटी के लिए बाधा आती है और ड्राइव करते वक्त एक्सीडेंट की संभावनाएँ भी बन सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि रियर पार्सल ट्रे पर ऐसी कोई भी चीज़ ना रखें जो ड्राइवर को विजिबिलिटी में दिक्कत दे, क्योंकि इनको वहाँ रखने से क्या फ़ायदा होता है ये अलग एक रिसर्च का टॉपिक है, उस पर अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन नुकसान हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इस लिस्ट में नौवें पायदान पर अगली एक्सेसरी है दोस्तों, प्रेशराइज एयर फ्रेशनर या फिर परफ्यूम्स। बहुत से लोग अपनी कार में एटमॉस्फेयर को और एयर को फ्रेश रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। मेरी राय में आपको कांच की बोतल में आने वाले लिक्विड परफ्यूम्स या फिर एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेशराइज एयर फ्रेशनर या परफ्यूम्स यूज़ करते हैं तो इसे तुरंत ही बंद कर दें, क्योंकि गर्मियों में इनके फटने का डर हमेशा बना रहता है। आपको पता ही है कि गर्मियों में जितना टेम्परेचर बाहर होता है उससे कई ज़्यादा गर्म टेम्परेचर कार के अंदर होता है, जिस कारण ये एयर फ्रेशनर के कैंस फूट सकते हैं। और हमारे देश में जहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक चला जाता है, ऐसे में ये ख़तरा और भी बढ़ जाता है। और मान लीजिए कि अगर ये चलती गाड़ी में फट गया तो आपको और आपके परिवार को और आपकी गाड़ी को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। इस लिस्ट में अगली दसवें पायदान पर आने वाली एक्सेसरी है दोस्तों, सीट कवर्स। जी हाँ दोस्तों, सीट कवर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार देखा गया है कि जिन कारों में साइड एयरबैग्स होते हैं उनमें भी लोग सीट कवर लगवा लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साइड एयरबैग आपकी गाड़ी के सीट के अंदर होते हैं और यदि आप ऐसे सीट्स पर कवर चढ़ाते हैं तो ऐसे किसी मौके पर एक्सीडेंट होने पर या इम्पैक्ट होने पर आपके साइड एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। तो यदि आपकी गाड़ी में साइड एयरबैग्स हैं तो उनमें सीट कवर ना लगवाएं। इस लिस्ट में अगली एक्सेसरी यानी कि 11वें पायदान पर आती है दोस्तों, रूफ माउंटेड डीवीडी प्लेयर। इन डीवीडी प्लेयर से रियर सीट पैसेंजर्स को एक्चुअल में कितना मज़ा ले पाते हैं ये तो एक अलग चर्चा का और रिसर्च का विषय है, लेकिन ऐसे डीवीडी प्लेयर की वजह से ड्राइवर के लिए रियर व्यू मिरर की उपयोगिता पूरे तरीके से समाप्त हो जाती है और कभी कभी इसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएँ भी बन सकती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे डीवीडी प्लेयर्स को यूज़ करने से बचिएगा। इस लिस्ट में 12वें पायदान पर अगली एक्सेसरी है दोस्तों, एयर इंटेक स्नॉर्केल्स। जिस तरीके से हर एक जीवित प्राणी के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारी कार के इंजन को भी हवा की ज़रूरत होती है ताकि वो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। यही एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि कई जगहों पर दलदल जैसे हालात होते हैं और सड़क का नामोनिशान तक नहीं होता, कभी कभी उन्हें नदी नालों में से पानी में से गाड़ी को निकालना पड़ता है। ऐसे हालातों में गहरे पानी से गाड़ी को निकालते वक्त इंजन बंद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसी सिचुएशंस में इंजन को हवा की सप्लाई बिना रुकावट बनी रहे और गाड़ी बिना अवरोध वहां से निकल सके, इसके लिए गाड़ियों में एयर इंटेक स्नॉर्केल को लगाया जाता है, जिसकी मदद से इंजन सांस ले सकता है और बंद नहीं होता। आप सभी को पता है कि ये एयर इंटेक स्नॉर्केल देखने में काफ़ी खूबसूरत और स्पोर्टी लगते हैं और गाड़ी के लुक्स को भी बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं। इस कारणवश कई लोग जिनका ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में कभी जाना नहीं होता
इनफैक्ट शहरों की सड़कों और हाईवे के अलावा ये कहीं नहीं जाते, ना ही कभी फ्रीक्वेंटली ऑफ रोडिंग करते हैं, वो लोग भी इनको लगवा लेते हैं। इनटेक स्नॉर्कल की वजह से काफ़ी आसानी से इंजन तक धूल, मिट्टी, कचरा जैसी चीज़ें पहुंचते हैं, जिसका कारण इन्हें हमेशा साफ रखना पड़ता है। शहर के लिए ये यूजलेस, वेस्ट ऑफ मनी और इलीगल हैं। इस लिस्ट में अगली एक्सेसरी 13वें पायदान पर आती है, विंडो कर्टन्स। कई लोग अपनी गाड़ी में विंडोज़ पर कस्टमाइज कर्टन्स लगवा लेते हैं, क्योंकि विंडो ग्लास पर लगाने वाली ब्लैक फिल्म अब गैर कानूनी हो चुकी है। इन पर्दों की वजह से कई बार आपको आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं देती। हो सकता है किसी वक्त यू टर्न लेते समय साइड से आने वाली गाड़ी आपको नज़र ही ना आए। बेहतर होगा अगर आप ट्रांसपेरेंट सनशेड का इस्तेमाल करें। वैसे तो ये सनशेड भी एक वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट ही है, क्योंकि जब तक इनकी ज़रूरत नहीं होती है तब ये रियर सीट पर, रियर पार्सल ट्रे पर या फिर बूट में बिना वजह के स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। और बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ समय बाद ये आपको आपके घर के किसी कोने में पड़े हुए मिलेंगे। इस लिस्ट में अगली एक्सेसरी यानी कि 14वें पायदान पर है दोस्तों, स्टीयरिंग नॉब या फिर जिसे स्पिनर भी कहा जाता है। कई लोगों को स्टीयरिंग व्हील पर स्पिनर लगवाना अच्छा लगता है। वो लोग ये सोचते हैं कि स्पिनर से वो स्टीयरिंग को काफ़ी आसानी से और फास्ट घुमा सकते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में जब स्टीयरिंग को मोड़ना चाहते हैं तब ये काफ़ी तकलीफ देता है। अगर सच में ये स्पिनर इतने यूजफुल होते तो क्या कार कंपनियां खुद से इन्हें अपनी गाड़ियों में बाय डिफ़ॉल्ट स्टीयरिंग में बनाकर नहीं दे देते? अपने आप से पूछिएगा। इस लिस्ट में अगली एक्सेसरी है दोस्तों, फ्लोर मैट्स। जब भी कोई नई गाड़ी खरीदता है तो कोटेशन में एसेंशियल एक्सेसरीज में उसको फ्लोर मैट डेफिनेटली मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे लोग अपनी गाड़ी में फ्लोर मैट्स लगवाते हैं। वैसे तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब किसी भी शॉप पर या डीलर के पास में आपकी गाड़ी के पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से फ्लोर मैट्स नहीं होते हैं तो वो यूनिवर्सल मैट्स बता के कोई भी फ्लोर मैट आपको चिपकाने की कोशिश करता है। वो कहेंगे कि आपसे पहले भी 50 कस्टमर्स को बेच चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल आपकी गाड़ी के ही हैं। आपको हमेशा फ्लोर मैट अपनी गाड़ी के पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से ही डलवाने चाहिए, वरना क्या हो सकता है ये इस वीडियो में देखिएगा, जिससे एक्सीडेंट की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। कई बार हमने ये खबरों में भी देखा है कि फ्लोर मैट में एक्सेलरेटर फंस जाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया है। इस लिस्ट में 16वें पायदान पर आने वाली अगली एक्सेसरी है दोस्तों, सेरामिक कोटिंग। आज की डेट में एवरी नेक्स्ट डीलर और आफ्टर मार्केट शोरूम इज़ ऑफरिंग यू अ सेरामिक कोटिंग। सबसे पहले जानते हैं कि ये सेरामिक कोटिंग होती क्या है। ये एक 9-inch लेयर होती है जिसको कार के पेंट के साथ में एम्बेड किया जाता है, और वो कितनी बेहतर तरीके से आपकी कार के पेंट में समा जाएगी ये डिपेंड करता है कि उस पर कितने सारे लेयर का कोटिंग किया जा रहा है। इसके फ़ायदों के तौर पर हमें बताया जाता है कि कार पे एक तरह की शाइन या फिर ग्लॉसी फिनिश बनी रहेगी, माइनस स्क्रैचेस नहीं आएंगे। एक अलग और माइंड गेम खेला जाता है दोस्तों कि इस पर गिरते ही पानी बिखर जाएगा, इस पर रुकेगा नहीं। एज अ कार ओनर हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या सच में हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी को धूल मिट्टी से नहीं बचाता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी को साफ करना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आप सेरामिक कोटिंग करवा भी रहे हैं तो इसे कहाँ से करवाते हैं, क्योंकि इसके परफेक्ट केमिकल कॉम्बिनेशन मिक्सचर सबको पता होंगे ऐसा नहीं है, इसके कारण कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इसे आपकी गाड़ी पर लगा रहा है क्या उसे कंपनी अप्रूव्ड सही तरीका या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पता है, क्योंकि आजकल मार्केट में हर डीलर अपने आप को इस चीज़ में मास्टर बताता है। क्या इन्हें वो ऑथेंटिक तरीका, नंबर ऑफ केमिकल्स और ऑथेंटिक प्रोसेस मालूम है? क्या ये लोग सच में आफ्टर मार्केट में इतने प्रोफेशनल हैं? मेरी मानिएगा तो कार कंपनियाँ बहुत हाई लेवल कंपनी ग्रेड पेंट्स इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसी सेरामिक कोटिंग जैसी आफ्टर मार्केट चीज़ें करने से बचिएगा, और नई गाड़ी में तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करवाएं। इस लिस्ट में अगली एक्सेसरी है 17वें पायदान पर आती है दोस्तों, इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम। कई बार ये देखा गया है कि कंपनी अपनी गाड़ी में टच स्क्रीन सिस्टम के साथ साथ इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करती हैं, या फिर कई लोग इसे सेपरेटली GPS डिवाइस के साथ में ख़रीदते हैं, जिसे लगवाने के कुछ दिन बाद ही हमें सच्चाई का पता चल जाता है कि हमें इसे 100 में से केवल 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं। कई बार तो ये रियल टाइम अपडेटेड भी नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से ये वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट है। अगर सच में आप इसे रियल टाइम और बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपके एंड्रॉयड सेलफोन या फिर एप्पल सेलफोन से बेहतर कुछ भी नहीं है। GPS डिवाइस के साथ आने वाले नेविगेशन सिस्टम को आपको बाद में रिचार्ज भी करवाना पड़ता है, वो भी एक एडिशनल कॉस्ट है। जब एंड्रॉयड या एप्पल का फ़ोन हो
तो इससे अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट एक इंडिविजुअल कार ओनर को तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस लिस्ट में 18वें पायदान पर अगली एक्सेसरी है दोस्तों, जेनेरिक सीट कवर्स। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके कार में साइड एयरबैग्स हैं तो ये सीट कवर या किसी भी तरीके के सीट कवर्स बिल्कुल ना लगवाएं। अगर साइड एयरबैग्स नहीं हैं तो कम से कम आप जेनेरिक सीट कवर्स तो ना ही लगवाएं। आफ्टर मार्केट में आपको कई सारे अच्छे ब्रांड्स जेनेरिक सीट कवर्स मिल जाते हैं। मेरी राय में इन्हें लगाना सही नहीं है, आपको हमेशा कस्टमाइज सीट कवर्स लगवाने चाहिए। जेनेरिक सीट कवर्स जो आते हैं उनमें आपको फिट एंड फिनिश सही नहीं मिलेगी, कवर्स के कुशन की पैडिंग ठीक से नहीं मिलेगी। तो हमेशा अपनी गाड़ी में अगर आप सीट कवर्स लगवाना चाहते हैं तो उन्हें कस्टमाइज और आपके कार के हिसाब से स्पेशली मेड सीट कवर्स ही लगवाएं। इस लिस्ट में 19वें पायदान पर आने वाली एक्सेसरी है दोस्तों, ओवरसाइज अलॉय व्हील्स। अक्सर ये देखा गया है कि कई लोग अपनी गाड़ी में ओवरसाइज अलॉयज लगवा लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में 14 इंच के टायर्स कंपनी से आते हैं तो कई बार लोग 16 इंच के अलॉयज लगवा लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास एक ऑथेंटिक और लॉजिकल टेक्निकल रीज़न होना चाहिए, क्योंकि जब आप ओवरसाइज अलॉय लगवाते हैं तो आपका टायर भी वाइडर साइज का हो जाता है। उसकी वजह से साइड वॉल में और टायर में जो गैप होता है उसका एस्पेक्ट रेशो यानी कि जो गैप होता है वो कम हो जाता है, और इसका बुरा असर कार की कंफर्ट, राइड एंड हैंडलिंग, माइलेज, परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, इन सब में आपको दिक्कत आएगी। और जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक कंपनी काफ़ी सारी रिसर्च और टेस्टिंग के बाद में ही एक बैलेंस बनाने के बाद आपकी गाड़ी के लिए टायर्स या फिर अलॉयस सिलेक्ट करते हैं। इस लिस्ट में 20वें यानी कि अगले पायदान पर आने वाली एक्सेसरी है दोस्तों, रियर व्यू कैमरा विदाउट ग्रिड लाइंस। कई लोग अपनी गाड़ी में रियर व्यू कैमरा तो लगवा लेते हैं लेकिन उसमें हरी, पीली, लाल इत्यादि कलर्स की ग्रिड लाइंस नहीं होती हैं। बिना ग्रिड लाइंस का कैमरा इज नॉट एट ऑल यूजफुल एंड वेस्ट ऑफ मनी। ये ग्रिड लाइंस आपको हमेशा चेतावनी देते रहेंगे कितना कैप या डिस्टेंस बचा है, तो बिना ग्रिड लाइंस वाले कैमरास पर अपने पैसे बर्बाद ना करें। इस लिस्ट में अगली एक्सेसरी है दोस्तों जो कि 21वें पायदान पर आती है, वो है एंटी रस्ट कोटिंग। एंटी रस्ट कोटिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हर एक कंपनी अपनी गाड़ी में 5 लेयर्स, 7 लेयर्स या 9 लेयर्स तक जो पेंट लगवाती हैं उसका प्रोसेस कैसे होता है उसे एक बार इस वीडियो में देख लीजिए। ये चीज़ें आपको करवानी चाहिए या नहीं इस पर मैं काफ़ी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना बेहद ही ज़रूरी है कि हमारी गाड़ी की जो स्टील होती है वो बहुत ही हाई ग्रेड एंटी करोजन यानी कि जंग रोधी स्टील से बनती है, जिससे गाड़ी का बुनियादी ढांचा बनाया जाता है। ये ढांचा बनने के बाद इसे ठीक से वॉश किया जाता है, वॉश करने के बाद ड्राई किया जाता है और उसे केमिकल बेस्ड सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, जो कि हर एक कंपनी का अपना अलग अलग सीक्रेट फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट उस ढांचे को एक और सॉल्यूशन में डुबाया जाता है जो कि एंटी कोरोजन डिप होता है यानी कि जंगरोधी केमिकल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इस उस ढांचे को अंडर बॉडी में पूरे तरीके से सील करने के बाद उस पर एक एंटी वाइब्रेशन कोटिंग की जाती है। उसके बाद ही एक्चुअल में पेंट का काम शुरू होता है, जो कि बहुत ही महंगे यानी कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो रोबोट्स आते हैं उन रोबोट से कंप्यूटराइज तरीके से इसे करवाया जाता है, जिनको आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इनिशियली 2-3 कोट लगने के बाद गाड़ी को एक ओवन में बेक करने के लिए भेजा जाता है, जिसकी गर्मी की वजह से वो पेंट उस गाड़ी के मेटल में पूरी तरीके से समा जाता है। इस प्रोसेस के बाद ही पेंट का काम शुरू होता है और कंप्यूटराइज रोबोट के द्वारा ही इसे अलग अलग कंपनियां उस ढांचे पर 5 से लेकर 9 लेयर्स तक कोट लगाती हैं। बाद में बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रेंड एंड प्रोफेशनल बंदा इन गाड़ियों की पेंट को चेक करता है ताकि उसमें कोई खामी न रह जाए, कोई कमियां न रह जाएं। यहाँ पर हमें नुक्कड़ में बैठा डीलर या आफ्टर मार्केट डीलर एंटी रस्ट कोटिंग की सलाह देते रहते हैं, ना ही उसके पास इतना प्रोफेशनल स्टाफ होता है, ना ही इतनी सारी इक्विपमेंट्स होते हैं, ना ही इतनी सारी मशीनरीज होती हैं। इस लिस्ट में अगली एक्सेसरी है दोस्तों, टेफ्लॉन कोटिंग। तो दोस्तों जैसे कि अभी अभी मैंने आपको पेंट प्रोसेस बताया है, उसे देखने के बाद आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा कि टेफ्लॉन कोटिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एटलीस्ट नई गाड़ी में तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो 5-6 सालों के बाद में आपकी गाड़ी के कंडीशन के हिसाब से आप इसे करवा सकते हैं।
इस लिस्ट में अगले पायदान पर यानी कि 23वें नंबर पर आने वाले एक्सेसरी है हाई वोल्टेज हेडलाइट्स। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपकी गाड़ी की हेडलैम्प का वोल्टेज निर्धारित किया गया है, जैसे कि 12 वाट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 60-65 वाट्स के बल्ब्स होने चाहिए और 24 वोल्ट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 70-75 वाट्स के बल्ब होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग 95-100 वाट तक के बल्ब इसमें लगवा लेते हैं, जो कि इलीगल है। ऐसे हाई वोल्ट बल्ब से सामने से आने वाली गाड़ी के कार ड्राइवर को कुछ समय के लिए बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा और इससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से बचिएगा, ऐसी एक्सेसरीज लगवाने से बचिएगा, ये कम्प्लीटली इलीगल है। इस लिस्ट में अगले पायदान पर यानी कि 24वें नंबर पर आने वाली एक्सेसरी है दोस्तों लाउड हॉर्न। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से परमिसेबल हॉर्न नॉइस की रेंज जो है वो है 93 डेसिबल से लेकर 112 डेसिबल तक, जिसे गवर्नमेंट ऑलरेडी 88 डेसिबल से लेकर 100 डेसिबल तक नीचे लाने पर विचार कर रही है, ताकि नॉइस पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सके। वहीं इसके विपरीत कुछ लोगों में कीड़े होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी का हॉर्न बड़ा लाउड बजना चाहिए, और जैसे ही उनकी गाड़ी का हॉर्न बजे तो भीड़ खौफज़दा होकर बिखर जाए और उनको सबकी अटेंशन मिल जाए। खैर, अटेंशन तो दूर की बात है, आप पे केस हो सकता है, आपको जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि परमिसेबल लिमिट के ऊपर लाउड हॉर्न लगाना गैरकानूनी है। इस लिस्ट में 25वें पायदान पर आने वाली अगली एक्सेसरी है दोस्तों कार की हेडलाइट्स की विजिबिलिटी को चेंज करना। हमारी गाड़ियों में नॉर्मली हैलोजन बल्ब्स आते हैं जिनकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ लोग HID बल्ब लगवा लेते हैं विदाउट प्रोजेक्टर्स, और बिना प्रोजेक्टर के HID बल्ब की लाइट बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होने लगती है, उसका फोकस ठीक से नहीं मिलेगा और सामने से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ये HID बल्ब लेते वक्त इसके कलर टेम्परेचर को भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जबकि इसे मैक्सिमम 4300 के तक होना चाहिए। लेकिन लोग चाहते हैं कि सामने वाला ड्राइवर अंधा हो जाए, इसलिए वो 6000 के से लेकर 8000 के तक के बल्ब लगवा लेते हैं, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। मार्केट में कई सारे ब्रांडेड प्लग इन सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, जिनसे आपकी गाड़ी की हेडलैम्प की विजिबिलिटी अप टू 40% तक बढ़ सकती है। कृपया करके उन प्रोडक्ट पर जाइएगा, ना कि ऐसे 6000-8000 के बल्ब को बिना वजह से लगाना। इस लिस्ट में 26वें पायदान पर आने वाली एक्सेसरी है दोस्तों बुल गार्ड या फिर बम्पर गार्ड। ये चीज़ गैर कानूनी है और आपको ऐसा कोई भी बुल गार्ड आपकी गाड़ी में आगे या पीछे बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। कानूनन इस पर बैन है और इसके फायदे कम, लेकिन इसके कई सारे नुकसान हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। पहला, ये राह चलते मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके गाड़ी के बम्पर को इस तरह से बनाया जाता है कि अगर कोई राह चलता मुसाफिर उससे टकरा जाए तो उसे कम से कम चोट लगे, लेकिन बुलगार्ड की वजह से उस मुसाफिर को काफ़ी गंभीर चोट लग सकती है। दूसरा, आजकल हर एक गाड़ी में एयरबैग्स आते हैं, और अगर आपकी गाड़ी में बुलगार्ड लगा हुआ है तो एक्सीडेंट के वक्त एयरबैग्स के सेंसर एक्टिवेट नहीं होंगे और एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। तीसरा दोस्तों, मेजर एक्सीडेंट की वक्त इस बुलगार्ड की वजह से आपकी गाड़ी के क्रम्पल जोन सही तरीके से काम नहीं करते हैं, वो फोर्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज़ है दोस्तों, ये बुलगार्ड का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, वज़न में ये काफ़ी भारी होने की वजह से गाड़ी का माइलेज भी कम कर देते हैं। इन कारणों की वजह से इन्हें ना लगवाना ही ज़्यादा फायदे का सौदा है। इस लिस्ट में 27वें पायदान पर आने वाली आखिरी एक्सेसरी है दोस्तों आफ्टर मार्केट सनरूफ लगवाना। जी हाँ, आजकल हर किसी को अपनी कार में सनरूफ चाहिए। सनरूफ अगर आप आफ्टर मार्केट से कार में लगवाते हैं तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी जब सनरूफ अपनी कार में देती है तो वो उसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को उस हिसाब से मजबूत बनाती है। देखिए, गाड़ियाँ दो तरीके से बनती हैं, या तो बॉडी ऑन फ्रेम, जिसका मतलब होता है कि कार की बॉडी के ढांचे को चेसिस पर कसा जाता है, या फिर मोनोकॉक डिज़ाइन, जिसमें चेसिस और बॉडी दोनों को एक साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया जाता है, ताकि बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। इसमें चेसिस और बॉडी को अखंड तरीके से बनाया जाता है ताकि कार ज़्यादा मजबूत हो। अगर आपकी कार में फैक्ट्री फिटेड सनरूफ नहीं है तो कुछ लोग गाड़ी की छत को काटकर उसमें सनरूफ लगवाते हैं।
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसमें गाड़ी की मजबूती कम हो जाती है। हमें यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि जब कंपनियाँ सनरूफ ऑफर करती हैं तो इट्स ऑलवेज बाय डिज़ाइन एंड नॉट बाय जस्ट चॉइस। गाड़ी के स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को बिना कोई नुकसान पहुँचाए कंपनियाँ इसे बनाती हैं। इसके अलावा आफ्टर मार्केट सनरूफ में आपको सीपेज जैसी कई सारी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये थी वो 25 से ज़्यादा एक्सेसरीज जिन्हें आपको आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।